अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू पाकिस्तानी मोमेंट व्लॉग इन चाइना। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं बना रही हूँ पास्ता। पास्ता मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, तो अब मैं इसका चिकन रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, लेस ऑयल में मैं बनाऊँगी, ज़्यादा मैं ऑयल यूज़ नहीं करूँगी। तो ये इसको गर्म कर लेते हैं और इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको 2 से 4 मिनट तक भूनेंगे। ज़्यादा गला पकाना नहीं है, बस इसको मैंने भूना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए अब भून गया है, तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी। आप इस चिकन स्ट्रिप्स में भी ले सकते हैं, मैंने क्यूब्स में की शक्ल में लिया है। तो अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, इतना इसको मैं फ्राई करूंगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें, ये इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दूंगी। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी, बहुत ही मैं सिंपल बनाऊंगी और नॉर्मल होंगी। बच्चों के लिए ये आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। अब मैंने सॉल्ट ऐड किया है, ब्लैक पेपर मैं डालूंगी, 1 टीस्पून मैंने दोनों डाली है और 1 टीस्पून ही मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी। हल्का सा मैं देसी टच भी दूँगी, बिल्कुल मैं चाइनीज़ नहीं बनाऊँगी। तो यह कि बिल्कुल नॉर्मल होगी, ज़्यादा नहीं स्पाइसी होगी। तो अब मैंने ये 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी चिकन के गलने तक। तो ये देखिए अब ये डन हो गया है। और अब इसमें सोया सॉस वगैरह सॉसेस डाल लेंगे। ये सोया सॉस मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के ही फुल। तो ये अब मैं डाल रही हूँ, ये सिरका है। और केचप डालूँगी, टोमेटो केचप डालूँगी और रेड चिली सॉस डालूँगी इसमें, और ओरिगैनो भी इसमें डालूँगी, तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इन चीज़ों को मैं डाल के तो मिक्स कर लूँगी अच्छे से और मैं पकाऊँगी फिर इसके गलने तक। तो तकरीबन ये 80% तक तो गला हुआ है, बस इसको मैंने हल्का सा सॉसेज में भी थोड़ा सा मैंने कहा कि इसका भी इसके अच्छे से जायका आ जाए, टेस्ट आ जाए। तो इसको मैं बस अब कवर कर दूंगी और पकाऊंगी। तो ये देखें ये अब हो गया। अब मैं इसमें वेजेस डाल दूँगी, आपकी चॉइस है, आप इसमें मटर गाजर वगैरह तो डाल सकते हैं। मैंने बस इसमें कैप्सिकम और ओनियन डाले हैं और इसको मैं पकाऊंगी नहीं फुल, इतना बॉयलिंग वो गलाना नहीं है, जस्ट इसको 1 मिनट में दूंगी। और क्रंची क्रंची होनी चाहिए, बिल्कुल गली हुई भी अच्छी नहीं लगती। बस इसको मैं 1 मिनट के लिए कवर करके तब पे पकाऊंगी। और पकानी तो नहीं है, बस मैंने इसको थोड़ा सा वो क्रंची सा इसमें टेस्ट आएगा। और अब ये पास्ता भी बॉयल हो गया था, मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। अब रेडी हो गया है, इसको मैंने 5 से 10 मिनट रख दिया था दम पे। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें ये फाइनल लुक है, बहुत मज़ेदार बनी थी और बच्चों के लिए तो ये बेस्ट है। आप उनको ज़रूर ट्राई करके दीजिएगा और बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। और ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं जा रही हूँ, ये इब्राहिम को मैं लेके आई हूँ शॉप पे, इसको चीज़ों का मैं लालच देती हूँ क्योंकि ये खाता पीता नहीं है, तो इसको मैं कुछ ना कुछ लालच देती रहती हूँ कि आओ मैं तुम्हें चॉकलेट लेके दूँगी फिर तुम ये खाओगे। तो बच्चों के साथ तो फिर ये करना पड़ता है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे वैनगार्ड लेके आई हूँ,
तो मैं इसको लेके दे रही हूँ। ये बहुत डिमांडिंग बच्चा है, ये बस अपनी चॉइस से ही चीज़ें लेता है। तो अब मुझे कह रहा था मम्मा लेज़ और ये मुझे लेके दें। तो अब मैं जा रही हूँ, इब्राहिम का हमने हेयर कट करवाना था तो रास्ते में है, तो चलिए आप ही साथ आइए, आपको भी मैं सैर करवाती हूँ। तो ये अब हबी की यूनिवर्सिटी आ गई है। यूनिवर्सिटी में भी वो कट करते हैं, बट बिल्कुल वो ना छोटे छोटे बाल कर देते हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो ये कि अब जहाँ पे जा रहे हैं शॉप पे, तो वो उनको पिक दिखा के, तो जैसा आप हेयर स्टाइल चाहते हैं वो वैसा ही कट करके देते हैं। इंटरनेशनल लेवल के हैं वो। तो बस अब वहाँ जा रहे हैं, और ये अभी की यूनिवर्सिटी है, इसके बीच में से ही कोई शॉर्टकट रास्ता है, वहाँ से ही बस हम चले जाते हैं। तो मौसम अच्छा था काफ़ी, और सर्दी भी ठीक है, ज़्यादा अब ठंड भी नहीं रही। मार्च तो स्टार्ट हो गया है, तो ये देखिए ये बड़ा मज़े का मौसम है, तो मज़ा आ रहा है। और ये ग्राउंड है, और यहाँ पे पता नहीं ये ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। तो और ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था, ये भी रास्ते में थी तो मैंने सोचा कि मैं ये भी, ये बहुत ही ये ना गैदरिंग और ये गेट टुगेदर और ये इस टाइप की चीज़ें करते हैं, और बड़े व्यू ना मज़ा आता है हमें देखने में भी। तो अब ये कोई एक्टिविटी है इनकी आई थिंक, तो ये अभी देखें कर रहे हैं। तो अभी ये इतनी स्मार्ट और इतनी फिट हैं ये, क्योंकि ये अपने आप को बिजी रखते हैं।